नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली के वायरल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। नकली बारात का असली न्योता, इनविटेशन कार्ड में छिपाया था 5 करोड़ रुपए का ड्रग। ड्रग को छिपाने के तस्करों के नायाब तरीके का जब खुलासा होता है तो कई बार अधिकारियों के भी होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सामने आया। दरअसल तकरीबन 5 करोड़ रुपए का ड्रग को फर्जी शादी के कार्ड में छिपाकर ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा था। इससे पहले ही शुक्रवार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे जब्त कर लिया गया। मंगलवार को ही ड्रग्स जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए थी उसे कपड़े में लपेटकर बाहर भेजे जाने की योजना थी, लेकिन इसे भी वक्त रहते ही जब्त कर लिया गया। बुधवार को 2 ऐसे यात्रियों को पकड़ा गया जो अपनी जांघ पर सोना बांधकर उड़ान भरने वाले थे। वहीं KIA एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट के सूत्रों ने कहा कि उन्हें एक पैकेज मिला है जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट किया जा रहा था। इसमें शादी के निमंत्रण पत्र के साथ साथ कुछ कपड़े भी थे। इसमें शादी की तारीख 30 अप्रैल 2020 तक का जिक्र किया गया था। वहीं इस मौके पर KIA कार्गो सेक्शन पर बेंगलोर कस्टम जांच अधिकारियों से जब हमारे संवाददाताओं की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे ड्रग्स पैकेज में 43 फोल्डेबल कार्ड थे। इनमें जब हमने कार्ड्स का निचला हिस्सा काटा तो पॉलिथीन के 80 पाउच मिले जिनमें कागजों के बीच कुछ पदार्थ छिपाया गया था। शुक्रवार को यह पदार्थ जांच के लिए भेजा गया था जहां पर पता चला कि यह ड्रग्स ही है जो कि NDPAC एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। प्राप्त किए गए कुल ड्रग्स की मात्रा 5 किलोग्राम थी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 5 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा थी। एग्जैक्ट क्वांटिटी। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज डेली को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ये वायरल वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।